एक्चुअली मैं पहली बार जज हूँ, तो पहले मैं बहुत नर्वस थी, लेकिन अभी 4 seasons हो गया तो आई एम अ लॉट मोर कम्फर्टेबल. एक्चुअली बहुत मज़ा भी आया इस शो पे, एंड यू नो आई एम बिकमिंग वेरी फ्रेंडली विद द कंटेस्टेंट्स. सो इट्स यू नो बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट नाउ टू जज देम बिकॉज यू बिकम वेरी अटैच्ड देम. सो या आई वॉन्ट टू टेल यू कि मैंने पहला एपिसोड देखा और आई वॉन्टेड टू कॉल जैकलिन, लेकिन रात के कुछ 11 बज गए थे. शी वॉज सो गुड ऑन द शो. आई वॉज वेरी सरप्राइज, क्योंकि मैं जानती हूँ उनको हिंदी की भी प्रॉब्लम होती है, बट शी वॉज वेरी गुड एंड वेरी नेचुरल एंड एक स्पॉन्टेनिटी और एक यूथफुलनेस डाला है शो में, क्योंकि अब कारण बूढ़े हो गए हैं तो अभी एक जवान जज की जरूरत थी. तो अब जैकलिन और मैं आ लेकिन फिर भी टिप्स दे दीजिए प्लीज. देयर इज नो टिप्स बेबी, वो फैब काफी ग्लैमर भी ऐड हो चुका है. बहुत ज्यादा. डोंट सिट नेक्स्ट टू मी इन द शो. आई एम सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू. वी पुटिंग यू इन द मिडिल. वी पुटिंग यू इन द मिडिल. ओ एक्चुअली करण इन द मिडिल. वी आर पुटिंग करण इन द मिडिल. जैकलिन विल बी सी यू मोर ऑन टीवी नाउ. Oh, well, I mean, this is the first time I've actually tried out, you know, TV and, you know, with judging on Chalak and stuff. And it's a fantastic experience. Yeah, like, she looked like she's having fun. Oh, God, yeah. But I was actually very nervous on that first show. I was, like, dying. But now we've done a few more seasons and it becomes such a journey. It becomes such a journey for everyone, like, with the contestants, with the other judges, with the Hindi, hosts. Hindi, mein, Hindi. Haan, toh, बहुत मज़ा आया. जजिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है आपके लिए? जजिंग सबसे डिफिकल्ट पार्ट एक्चुअली आई थिंक शी कांट बी, शी इज टू नाइस टू एवरीबॉडी. तो स्कोर्स देना है एक्चुअली बहुत प्रेशर है, क्योंकि सब एक्चुअली कंटेस्टेंट्स टाइम के बाद दोस्त बन गई. So it becomes a little bit difficult then to give them. I know she was being very sweet to everybody, and some now I'm finding it so difficult. Some extra 9s and 8s were given. I was like, yeah. No. Now I'm like, oh God, now what do I do? But it is difficult. सबसे favorite contestant? Actually, एक she likes that cute boy, no? Shantanu. Yeah, I could see it. देखिए झलक का क्या है कि हमेशा बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं झलक से, बट यूनिवर्सली सबको ये अच्छा लगता है कि टेलीविजन और फिल्म की दुनिया के जाने माने जो सितारे होते हैं वो आ जाते हैं, एंड दे बिकम कंटेस्टेंट्स, दे पार्ट ऑफ अ गेम, और प्रेशर उन पे होता है, और हमें वी जस्ट हैव टू लाइव बैक एंड एंजॉय इट. मनीष का सबसे ज़्यादा काम होता है क्योंकि ही हैज़ टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ देम. तो नया क्या होगा, हम नए हैं, वी कम विद न्यू एनर्जी, न्यू विगर, न्यू एंथुजियाज्म के साथ आए हैं. हमारे कंटेस्टेंट्स इस बार मैं कहना चाहूँगा कि द लास्ट 4 or 5 years आई फाइंड दिस बैच ऑफ कंटेस्टेंट्स सबसे अच्छे हैं. स्ट्रॉन्ग डांसर्स हैं, बहुत ही होनहार डांसर्स हैं, मेहनती हैं, एंड दे आर ऑल रियली रेडी टू चेंज द ग्राफ एज क्रिएटिव एनर्जीज. जिसने भी लिखा है अटल रबिश है. आई थिंक हम लोग सारे एक फैमिली हैं एंड आई थिंक वी हैव अ ग्रेट टाइम ऑन द सेट. आई थिंक गणेश इज द मोस्ट अमेजिंग पॉजिटिव एनर्जी. और मैंने पता नहीं आज मैंने ये पढ़ा कहीं ऑनलाइन भी, ये जो होता है ना, जो बिल्कुल कोई जिसने बना दिया है कहानी घर पे बैठ के, कोई कुछ वो कुछ और कर नहीं रहा था, एक बना दिया कि गणेश इज गिविंग हेडेक, ऐसा लग रहा है. गणेश इज द बेस्ट गाय. आई मीन ही सच एन अमेजिंग एनर्जी ऑन सेट. इनका एक हैप्पी डांस है, आई वांट टू टेल यू, जब भी वो हैप्पी डांस आ जाता है हम सबका दिल खुश हो जाता है. और हम वो गाने की वेट कर रहे हैं, वो गाना जल्दी आए, हैप्पी डांस वाला वो गाना. ये ट्विस्ट है, ये साल एक ट्विस्ट है और वो ये ट्विस्ट का एक पार्ट है. और कलर्स चैनल बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा शो है झलक दिखला जाए, तो जब वो ऐसे कुछ ट्विस्ट करना चाहते तो वी हैव टू ट्रस्ट देम, वी हैव टू गो विद देम. अब वो बेचारे, वो लिटिल बर्डी बेचारे कहाँ छुपे हुए, उनको लाओ मैं जादू की झप्पी देता हूँ, क्योंकि हम मैं तो यहाँ हूँ और बहुत टाइम तक यहाँ हूँ. नहीं, ऐसा है कि हम वो ट्विस्ट है, अगर मैं देखिए रिप्लेस वर्ड ही यूज करना गलत है, कोई रिप्लेस नहीं हुआ. गणेश, यू विल सी एट द एंड ऑफ द शो, गणेश विल बी ए पार्ट ऑफ द जर्नी. Farah is actually the twist perhaps. Yeah. Well, जैसे वो twist है जो आ गई है, just to cause, जैसे होता है ना, you come and cause some kind of fresh energy. We're very happy to have Farah on this set. बहुत खुश हैं कि Farah एक नई energy के साथ आ जाएगी. लेकिन हमारा परिवार ऐसा ही है, जुड़ा हुआ है, एक है, हमेशा रहेगा, और उस परिवार का एक नया सदस्य आ रहा है. नहीं, और एक खास twist ये है कि जैसे हमारे technical judgment होते हैं, तो क्या होता है, contestants लोग सब used to हो जाते हैं कि भाई ये आदमी जो है ये ऐसे जज करता है, तो ऐसी तैयारी करो, ऐसी कोरियोग्राफी करो. फिर सडनली जब ट्विस्ट आ जाएगा तो दे विल गेट थ्रोन ऑफ,
एंड देन व्हेन आई कम बैक अगेन दे विल गेट थ्रोन ऑफ अगेन. सो ये बहुत अच्छा ट्विस्ट होने.